बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दुपट्टे को नीट करने का तरीका। ये है इसका एक साइड जो कि नीट नहीं हुआ हुआ, मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये है दूसरा साइड जो मैंने नीट कर लिया है, मगर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने इसे किस तरह नीट किया है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ दो तरीके शेयर करूंगी दुपट्टा नीट करने का, या कोई भी एप्लिका पेच वगैरह हो उसे हम बासानी किस तरह नीट करेंगे। इसमें जो एक रेगुलर तरीका है जो कि आप सब जानते हैं काविया मशीन का होता है, उसका भी बताऊंगी, और जो घरेलू है यानी कि जो झटपट से फौरन से हमारा दुपट्टा हो, कोई भी पेच वगैरह हो, नीट हो जाएगा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम अपने दुपट्टे को किस तरह नीट करेंगे बजाय किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएट करे हुए। तो ये तो है वो नीट वाला साइड जिसे मैंने रेडी कर लिया है, इसे हम इस तरह पलट देंगे, और ये है वो साइड जो नीट नहीं हुआ। मैं आप सबके सामने इसे नीट करूंगी और आप लोगों को सिखाऊंगी। आप सबके बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही हम लोग अपने दुपट्टे को या कोई भी एप्लिका पैच हो उसे किस तरह नीट करेंगे। तो मेरे पास है ये काविया मशीन जिससे मैं हमेशा आपको कोई भी चीज नीट करती हुई दिखाती हूँ। ये है रेगुलर बेसिस पे, यानी कि अगर आप बड़े पैमाने पे काम करते हैं, आप टेलर्स हैं या आपको कोई बुटीक का काम करते हैं, या आप अपने घर में रेगुलर बेसिस पे स्टिचिंग करते हैं, तो आप ये चीज इस्तेमाल करेंगे और डेफिनेटली आपके पास ये मशीन मौजूद होगी। और मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही हमारे पास ये मशीन नहीं है, हमारे इलाके में ये मशीन नहीं मिलती, तो हम क्या करें। उसका भी सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि उसके लिए हमें क्या करना होगा। उसके लिए हम सहारा लेंगे इस कॉइल का। ये है कॉइल यानी के मच्छर वाली जलेबी, ये तो हर जगह बआसानी मिल जाएगी। ये उन मेरी बहन बच्चियों के लिए है जिनके बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही कुछ ऐसा तरीका बताएं जिससे हमारा ये जो एप्लिक हुआ हुआ होता है ये नीट हो जाए। और सबसे अच्छा जिसका पहला बेनिफिट ये है, अगर आपके पास लाइट नहीं है यानी कि लाइट गई हुई है और आपको कोई इमरजेंसी काम देना है, तो आपके लिए ये चीज़ बेस्ट है, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ। मुझे कोई इमरजेंसी काम देना होता है, लाइट चली जाती है, अमूमन ऐसा बाई चांस हो जाता है, तो मैं इस ग्लोब के जरिए अपने दुपट्टे को, एप्लिक को, कोई भी चीज़ हो उसे नीट कर लेती हूँ। इसको भी मैं इस्तेमाल करके दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये काविया मशीन, ये कहां से मिलेगी? ये आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक सामान, यानी कि यहाँ बिजली का सामान वगैरह मिलता है, जहाँ से हार्डवेयर का सामान मिलता है ये आपको वहां से मिलेगा, और आई थिंक 500 के अंदर है, 300 का, 400 का, इतने का ही होगा। मैंने बहुत टाइम पहले लिया था तो मैंने इसे 300 का लिया था, अब मुझे नहीं मालूम ये कितने का है और आपके इलाके में ये कितने का मिलेगा। बहरहाल ये 500 के अंदर का ही होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मगर ये जो चीज़ है ज़्यादातर जो कढ़ाई वाले होते हैं, जो एप्लिक वाले होते हैं, उनके पास होती है, जो बड़े टेलर्स होते हैं उनके पास होती है, और ये हमारे पास भी है क्योंकि हमारे पास रेगुलर बेसिस में इस तरह का बहुत वर्क होता है। वैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं एप्लिक वाले को देके एप्लिक करवाती हूँ, मगर आप सबको सिखाने के लिए मैं इसे खुद एप्लिक करूंगी और आपके साथ दो तीन तरीके भी शेयर करूंगी। इसमें ग्लोब कॉइल का तरीका भी इस्तेमाल करूंगी, इसका तरीका भी इस्तेमाल करूंगी। अब ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये मशीन है तो आप इससे नीट करेंगे, अगर आपके पास ये मशीन नहीं है और आपका सिलाई का इतना ज्यादा काम नहीं होता, कभी कभार अपना ड्रेस बना लिया या कोई भी ऐसी चीज बना ली जिसमें आपको मतलब कम बेसिस पे आप काम करते हैं, तो आप फिर आप ये लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और पहले मैं आपको काविया से नीट करना बताऊंगी। तो मैंने इसका प्लग लगा लिया है, अब आप लोगों ने इसको डायरेक्ट इस तरह नहीं पकड़ना। किस तरह हमें मालूम होगा कि ये गर्म हो गया है? ये अपना स्मोक छोड़ेगा। ठीक है, आपने इसकी जो हीटअप है, इसकी जो तपिश है, इस तरह महसूस करनी है। आपने ये ख्याल करना है कि आपने इसको फौरी तौर पर पकड़ना नहीं है, ये जानने के लिए कि हमारा काविया गर्म हुआ है या नहीं हुआ, ये आप लोगों ने एहतियात करनी है। और इसको जब इस्तेमाल आप लोग ख़त्म कर देंगे, यानी कि अपना जो भी काम आप कर रहे हैं, दुपट्टा नीट कर रहे हैं, कमीज नीट कर रहे हैं, एप्लिक नीट कर रहे हैं, उसके बाद आपने इसको किसी ऐसी जगह पे रखना है जहां पर आपके कपड़े नहीं हो, जहां पर आपका हाथ नहीं लगे, ये चीजों का एहतियात करना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने बहुत केयरफुली होकर इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। फौरी तौर पर ये हाथ को पकड़ लेता है और हाथ की खाल तक भी उतर जाती है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है स्टार्ट में, मुझे नहीं मालूम था ये बहुत ज़्यादा गर्म था और मेरी कलाई पर आ गया था, तो बहुत ज़्यादा मुझे नुकसान हुआ था। इसीलिए आप सब मेरी बहनें हो, मेरी बच्चियाँ हो, या मेरे भाई जो भी टेलर्स देख रहे हैं, इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है। ठीक है, बातों के दौरान ही ये गर्म हो गया है और जिसके ऊपर पहले लगा हुआ था एप्लिक, वो देखें ये गर्म होना शुरू हो गया है, ये गर्म होना शुरू हो गया और इसकी जो तपिश है वो मुझे फील होने लगी है। और जब ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, इसमें से स्मोक निकलेगा, फिर इससे हम अपना कपड़ा नीट करेंगे।
ये जितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है उतना ही ज़्यादा ये नुकसानदेह भी है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप इसका यूज़ करते हैं, तो बहुत केयरफुली होकर आपने इसका इस्तेमाल करना है। और अगर नहीं एहतियात कर सकते तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको स्किप कर दें, आपने इसका सहारा लेना है ग्लोब का, ठीक है। और अब मुझे इसकी स्मेल जो है यानी कि वो फील होना शुरू हो गई है। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, ये जो काबिया है, ये जो हमारी नेट हो गई, हमारा ऑर्गेन्जा हो गया, हमारा टिश्यू हो गया, और कोई भी ऐसी लाइट चीज़ हो उस पर बहुत अच्छा वर्क करता है, कॉटन पे नहीं करता। अगर आपकी कढ़ाई किसी कॉटन के कपड़े पे हुई भी है तो ये अच्छा वर्क नहीं करेगा, कॉटन के कपड़े पे ये वर्क करेगा, ठीक है। आपको शायद दिखाई दे रहा हो या नहीं, इसमें से स्मोक निकलना शुरू हो गया है, इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया, और अब ये रेडी है अपना वर्क करने के लिए। आप सबको शायद ये नहीं दिख रहा होगा बट मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें से स्मोक निकलना शुरू हो गया है। अब अपना दुपट्टा लेंगे और बहुत केयरफुली होके लेंगे, क्योंकि इसमें से ये आपके हाथ से छूटेगा तो बीच में आपका कपड़ा डैमेज होगा। क्योंकि ये सारे काम मैं एप्लिक वाले से करवाती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है बाय चांस जो मैं खुद करती हूँ, बट आपको सिखाने के लिए मैं ये कर रही हूँ। बस आपने इसकी जो नोक है उसको कढ़ाई के साथ साथ घुमाते जाना है और ये कपड़ा जो है कढ़ाई से अलग होता जाएगा। और सबसे अच्छा इसका बेनिफिट ये है कि आपकी जो कढ़ाई है वो खुलेगी नहीं, साथ साथ आपकी कढ़ाई है वो पक्की होती जाएगी। ये देखिए कितना लाजवाब काम कर रहा है ये, बस एहतियात आपने अपने हाथों की करनी है। ये देखिए माशाल्लाह से, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। इसमें से स्मोक निकलना शुरू हो गया है, आपको इसके धुएं दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप लोग अपना ये वर्क घर में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप एप्लिक वाले से यही काम करवाएंगे तो कम से कम आपसे एप्लिक वाला कढ़ाई वाला 700 से 800 रुपये चार्ज करेगा। शायद आपके इलाकों में मुख्तलिफ रेट हो, मगर हमारे इलाके में ये रेट है, तो इसीलिए साथ साथ मैं आपको इसके रेट भी बताती जा रही हूँ, ऐसा ना हो कि वो आपसे ज़्यादा ले ले। अगर आप एप्लिक वाले से ये काम करवाते हैं तो 500, 600 या 800 तक भी वो लेंगे, क्योंकि इसमें मेहनत होती है। इस चीज़ से मैं इत्तफाक करूँगी कि इसमें बहुत मेहनत होती है, एक एक कढ़ाई के पत्ती, एक एक कढ़ाई के फूल को निकालना पड़ता है। अगर आप लोग यही काम खुद करेंगे तो आप अपने घर बैठे ये पैसे बचा सकते हैं। और देखें कितना ईजीली ये काम कर रहा है, बहुत ही सफाई के साथ ये इसकी कटवर निकाल रहा है, और इसकी जहाँ जहाँ कटवर पे काबिया की नोक लग रही है वहाँ वहाँ से कढ़ाई लॉक हो रही है, ये कढ़ाई खुलेगी नहीं, चाहे आप इसको वॉश करें, पहने, प्रेस करें, कुछ भी करें। तो ये तो हो गया काबिया का निकालने का तरीका, ठीक है। इतना से मैंने आपको काबिया से निकाल के दिखाया है, अब मैं इसमें जलेबी का इस्तेमाल करूँगी कॉयल का, उससे आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ओ, ये मैं कॉयल को जला रही हूँ, अगर आपके पास लाइटर है तो आप उससे भी जला सकते हैं। आपके सामने हर चीज़ मैं शेयर करूँगी, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करूँगी, ज़्यादा नहीं जलाना, बस थोड़ा सा जलाना है, बस इतना ही काफ़ी है। तो इसकी जो नोक है कॉयल की वो आप कढ़ाई के साथ साथ लगाते जाएं और सेम वही काबिया वाला वर्क करेगा। अच्छा, मैं इस पर पूरी कॉइल यूज़ कर रही हूँ, अगर आप लोगों से नहीं संभले पूरी कॉइल तो आप इसके पीसेस करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको आसान लगे आपने वही तरीका इस्तेमाल करना है। बस इसकी जो नोक है अपनी कढ़ाई के साथ साथ घुमाते जाना है। ये देखें कितना लाजवाब वर्क कर रहा है ये। और ये अगर आपका कॉटन का दुपट्टा है यानी कि कॉटन के कपड़े के ऊपर कढ़ाई हुई हुई है तो ये अमेजिंग वर्क करेगा। आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे, रिक्वेस्ट थी कि आप ही कुछ ऐसा तरीका बताएं हमें जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो डियर ये आप सबके लिए है जिन्होंने मुझे कमेंट्स करे थे कि आप ही कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे हमारा घर बैठे जो है काम हो जाए, हमें एप्लिक वालों के पास नहीं जाना पड़े। तो आप सब ने इस दोनों तरीकों को इस्तेमाल करना है, आपकी एप्लिक वालों से जान छूट जाएगी। अगर आप इसके ऊपर पट्टी लगा के इसे नीट करते हैं तो वो तरीका बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा, यानी कि इसकी दुपट्टे की जो खूबसूरती है वो दब जाएगी। और ये वाला जो वर्क है ये बहुत ज़्यादा फैशन में है, दुपट्टों के आसपास से जो कढ़ाई निकली हुई होती है, जो एप्लिक हुई भी होती है, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है।
तो मैंने आपको ये दिखा दिया है दोनों तरीकों से नीट करना। अब ये दुपट्टा जब मुकम्मल होता है फिर मैं आपको इसकी फुल और फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो दुपट्टा मुकम्मल हो गया है, ये है इसकी फुल और फाइनल लुक। इसके दोनों साइडों को मैंने नीट कर लिया है, आपके सामने है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब ये हमारा दुपट्टा बन गया है बुटीक स्टाइल, यानी कि जो बुटीक्स वगैरह पे हमारे कपड़े मिलते हैं, ड्रेसेस मिलते हैं, उनके साथ जो दुपट्टे दिए जाते हैं वो कुछ इस लुक के होते हैं। वैसे तो ये सारा काम मैं अपने एप्लिक वाले से करवाती हूँ, जिससे मैं गले अटैच करवाती हूँ, एप्लिक करवाती हूँ। आप सबको सिखाने के लिए मैंने ये घर में बनाया है ताकि आप साथ साथ सीख भी लें। इसमें मैंने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया था, आई होप आप लोगों को समझ आया हो, पसंद आया हो तरीका। अगर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझसे जो छोटे हैं तो उनकी बड़ी आप ही बनकर, जो मुझसे बड़े हैं तो उनकी छोटी बहन बनकर मैं आपको दो तीन एहतियातें बताऊंगी। पहली एहतियात तो मैं आपको काबिये की बताऊंगी कि इसमें लाइट्स नहीं होती, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये कब गर्म हो रहा है और किस तरह हीटअप हो रहा है। आपने इसे फौरी तौर पर ऐसे नहीं पकड़ना, क्योंकि ये गर्म होता है, आप उससे जल भी सकते हैं। आपने छोटे बच्चों से एहतियात करनी है, उनसे दूर रखना है, मतलब जिसके जितने इसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी, आपने बहुत केयरफुली होकर ये काम करना है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि यह है कॉइल, अगर जिन्हें डस्ट एलर्जी है या स्मोक एलर्जी है या किसी को अस्थमा प्रॉब्लम है तो वो बंद जगह पर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप सबने खुली फिज़ा में इसका इस्तेमाल करना है या फ़ैन ऑन करके इस्तेमाल करना है। अगर इसका जो स्मोक है, जो धुआँ है, वो आपके लंग्स में नहीं जाए, आप की तबीयत नहीं ख़राब हो जाए, इस चीज़ का आपने एहतियात करना है बस, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देंगे और मुझे आप सबकी दुआएं चाहिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो, एक नए आइडियाज़। उससे पहले मैं कहूंगी कि आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पर मुझे लाजमी फॉलो करना है, सेकेंड चैनल पर जो रिव्यू का है उस पर भी आप सब आके मुझे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और ये भी बताइएगा कि इन दोनों में से आपको कौन सा तरीका ज़्यादा बेस्ट लगा है।